अब आप जो करने जा रहे हैं दैट इज द लेयर टेस्ट। इसके लिए आपने सोडियम एक्सट्रैक्ट में डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड सोडियम एक्सट्रैक्ट में हम ऐड कर रहे हैं, फॉलोड बाय क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म या कार्बन टेट्राक्लोराइड कुछ भी हम ऐड कर सकते हैं दोनों में से। तो जैसे ही हम देखिए क्लोरोफॉर्म या कार्बन टेट्राक्लोराइड ऐड करते हैं तो आपको दो लेयर दिख रही है, एक लेयर आपको ट्रांसपेरेंट दिख रही है और दूसरी लेयर हल्की सी ब्राउन सी दिख रही है। तो एज यू कैन सी द ऑब्जर्वेशन मोर क्लोजली, देखिए आपको वाइट पेपर के पीछे आपको आसानी से दिख रहा होगा कि एक लेयर वाइट है, दूसरी अपर लेयर जो दैट इज ब्राउन, दैट इज ड्यू टू द ब्रोमो कंपाउंड। एंड ब्रोमो लेयर जो है दैट इज द ऑर्गेनिक लेयर, और वो आपको ब्राउन कलर की वेरी क्लियरली दिख रही है। दिस कन्फर्म्स ब्रोमो एज एन एलिमेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड एनालिसिस। सिमिलरली सेम टेस्ट आप रिपीट करेंगे, दैट मीन्स आप इसमें डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड सोडियम एक्सट्रैक्ट में और फिर एक से एक ml या 2 ml करीब क्लोरोफॉर्म या कार्बन टेट्राक्लोराइड डालेंगे तो आपको सेम देखिए रिपीट कर रहे हैं। तो आपको देखिए लोअर लेयर जो है वो वायलेट कलर की बनती हुई दिख रही है, एंड वायलेट लेयर देखिए ब्यूटीफुल वायलेट लेयर इज बीइंग फॉर्म। जैसे कि उसको हम जैसे से शेक कर रहे हैं वैसे से इसका कलर इंटेंस होता जा रहा है, एंड वायलेट कलर की लेयर जो बन रही है दैट कन्फर्म्स द प्रेजेंस ऑफ आयोडो इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड। यही लेयर टेस्ट है जो ब्रोमो और आयोडो को आसानी से डिस्टिंग्विश कर देता है, जो कि आप पहले वाले टेस्ट में पिछले वीडियो में नहीं कर